हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए एक बहुत ही उपयोगी काढ़ा, जिसे आप घर पर आसानी से ही ट्राई कर सकते हैं। इन दिनों कोरोना वायरस का कहर चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन आप डरिएगा नहीं, बस छोटी छोटी सावधानियाँ रखिए, जिससे आप इस बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। बस जब भी आपको अर्जेंटली घर से बाहर जाना हो, तो आप साबुन से हाथ धोकर ही अंदर आइएगा, और कोशिश कीजिए अपने हाथों को आप आँख कान नाक में बार बार में लगाने से बचें, और छींकते और खांसते वक्त आप अपने मुंह और नाक पर रुमाल अवश्य रखें। ये वाली बीमारी ज़्यादातर बुज़ुर्गों और बच्चों में ज़्यादा अटैक करती है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को या बुज़ुर्गों को बाहर जाने से बचाए रखें। ये वाला काढ़ा आप नॉर्मली जब हमें सर्दी खांसी जुकाम या बुखार हो जाता है, तब यूज में ले सकते हैं, और ख़ास करके अस्थमा के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही रामबाण इलाज है। ये वाला काढ़ा आपके ब्लड में प्लेटलेट्स इंक्रीज करने में बहुत ही मदद करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही उपयोगी कोरोना से बचाए रखने के लिए काढ़ा। तो देखिए, हमने यहाँ पर खूब सारी गिलोय की जड़ ले ली है। ये हमने यहाँ पर ताज़ा गिलोय की जड़ ली है। अगर आपको ये नहीं मिले, तो आप बाज़ार में पंसारी की दुकान से सूखी गिलोय की डंडियाँ भी ला सकते हैं, या फिर इसका पाउडर भी आपको बाज़ार में आसानी से ही मिल जाएगा। इतनी गिलोय के अंदर हम 5 गिलास आसानी से ही तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस काढ़े के अंदर मेन जो इन्ग्रीडियंट है वो गिलोय की जड़ी है। बाकी हम इसमें बारीक टुकड़ों में कटी हुई हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और 5 चुटकी हल्दी की ले लेंगे। यहाँ पर हम 5 गिलास रेडी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक चुटकी करके हमने यहाँ पे 5 चुटकी हल्दी की ली है। हल्दी का आपको पता ही है कि ये बहुत ही एंटीबैक्टीरियल तत्व है, और काली मिर्च हमारी आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, और अदरक से हम सर्दी जुकाम खांसी सभी से बचे रह सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हम हल्दी को छोड़कर सभी चीज़ों को मिक्सी के अंदर डालकर इसके अंदर 1/2 गिलास पानी का भी डाल देंगे, और हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ हमारा काढ़ा बनाने के प्रोसेस में। देखिए, हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर 5 गिलास पानी का उबलने के लिए छोड़ दिया है। इस पानी के अंदर हम उबाल आ जाने देंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पानी के अंदर हल्का सा उबाल आने लग गया। इसके बाद हमने जो पेस्ट रेडी किया था वो यहीं पर सारा डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर इस काढ़े के अंदर भी हम अच्छे तरीके से उबाल आ जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में तुलसी के पत्ते अवेलेबल हो, तो आप उनको हल्का सा कूट करके डाल सकते हैं। उससे भी हमारे काढ़े की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में तुलसी के पत्ते लाए हुए नहीं थे, तो हमने हमारे पास में जितना भी सामान अवेलेबल था उसमें ही आपको बना करके दिखाया है। इस काढ़े को हम बिना ढक्कन लगाए हुए कम से कम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर उबलने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 15 मिनट के बाद में काढ़ा रेडी हो चुका है। इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद में हम इसको गिलास के अंदर सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये काढ़ा हल्का सा कड़वा होता है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद डालकर भी पी सकते हैं। आप सुबह सुबह ये 1 गिलास भर करके काढ़े का पी लीजिए, और पूरे दिन आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखिए। फ्रेंड्स, इन दिनों कोरोना वायरस का चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, तो आप बचे रहिए, और आप कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए ये काढ़ा रोज़ पीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, क्योंकि ये वाली रेसिपी देखने के बाद में आपके मुँह में पानी तो नहीं आया होगा, वो आई होप कि अगली वाली रेसिपी में आएगा। ये काढ़ा बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो सब भी इस वाले काढ़े का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ को आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।